बचपन में सभी ने खरगोश और कछुए की रेस की जो कहानी है सुनी होगी। इस कहानी में कछुआ जीत जाता है और ज़िंदगी की रेस में भी ये बाकी जानवरों से काफ़ी आगे है क्योंकि इसका जीवन काल काफ़ी अधिक होता है। तो आज मैं बात करूँगा भगवान विष्णु के कूर्मा अवतार। अगर अब भी आप नहीं समझे तो मैं बता दूँ, देवी यमुना के वाहन कछुए की। नमस्कार, मैं प्रदीप शुक्ल आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कि आखिर टर्टल, टार्टॉइज और टेरापिन्स में क्या फ़र्क है। पहले बात करते हैं इंडियन पॉन्ड टेरापिन या इंडियन ब्लैक टर्टल्स की, जिसका जूलॉजिकल नेम मेलैनोचेलिस ट्रिजुगा व फैमिली जियोमाइडिडी है। IUCN के द्वारा ये लीस्ट कंसर्न है। ये मीडियम साइज का जो है टर्टल होता है, या इसको टेरापिन भी बोलते हैं, और ये साउथ एशिया में जो है पाया जाता है। ये कछुआ फ्रेश वाटर यानी जो पानी खारा ना हो उसमें पाया जाता है। इसका कलर डार्क ब्राउन या ब्लैक होता है जैसा आप देख रहे हैं, और साइज 34 से 45 सेंटीमीटर। ये इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल आदि देशों में पाया जाता है। और ये तालाब या ये जो मार्शी स्ट्रीम्स है यानी दलदली टाइप का पोखर है उसमें और नदियों में पाया जाता है। और सुबह शाम ये ज़्यादा एक्टिव होता है, सुबह के समय और शाम के समय। ब्रीडिंग सीजन इनका अगस्त से अक्टूबर के बीच, क्यूबेशन पीरियड 60 से 65 दिन, यानी कि अंडे से बच्चे निकलने का जो समय है वो करीब 60 से 65 दिन का होता है। तो ये जो टेरापिन्स हैं ये टर्टल्स ही हैं, बस इनका साइज छोटा होता है और ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं टर्टल्स की। टर्टल्स पानी में रहते हैं, ये मोस्टली अफ्रीका और अमेरिका में पाए जाते हैं। इनका जो स्ट्रीम लाइंड जो फ्लैट बिल्कुल शेल होता है, और शेल्स इनका लाइट होता है, हल्का होता है। फीट वेब्ड होता है, क्लॉज यानी पंजे लॉन्ग लंबे होते हैं। और ये आपका इसका फ्लिपर देख रहे हैं, फ्लिपर जो है स्विमिंग के लिए जो है बिल्कुल अनुकूल होते हैं। तो इनका जो एवरेज लाइफ स्पैन है 20 से 40 साल होता है, और अधिकतम जो है 86 साल भी इनका जो लाइफ स्पैन है वो रिकॉर्ड किया गया है। वैसे कुछ कुछ सी टर्टल्स 150 साल तक भी ज़िंदा रह सकते हैं। तो मैंने बताया ये काफ़ी हल्के होते हैं और मोस्टली ओमनीवोर्स होते हैं, मीट, फ्रूट्स ये सब खाते हैं। कई सारी प्रजातियों में ब्रीडिंग के लिए माइग्रेशन भी होता है। और सबसे आखिरी में बात करते हैं टर्टॉइज़ की। ये लैंड पे रहते हैं और मोस्टली एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनका जो आप शेल देख रहे हैं ये डोम शेप्ड का, ये लार्ज बिल्कुल एकदम बड़ा सा गुंबदाकार शेल होता है, और मोस्टली हर्बीवोर्स होते हैं। ये फ्रूट्स लीव्स खाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि इंसेक्ट नहीं खाते ये, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि मोस्टली हर्बीवोर्स होते हैं। इनका जो फीट है ये शॉर्ट छोटा होता है और बहुत तगड़ा होता है, और पैर इनके जो है मुड़े हुए होते हैं। इनका लाइफ स्पैन जो है एवरेज लाइफ स्पैन 150 साल होता है, और अधिकतम 326 साल की जो है इनकी उम्र अब तक रिकॉर्ड की गई है। ये काफ़ी हैवी भी होते हैं और इनका अधिकतम वज़न अब तक 417 किलोग्राम जो है रिकॉर्ड किया जा चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दूंगा जिसमें आप ब्राज़ील के ग्रीन टर्टल्स के बारे में बहुत बेहतरीन अमेजिंग फैक्ट्स जान पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार।